गाइज आपको पता है आज ना मेरे फ्रैंकिल भैया और मेरे को ना सैलरी मिलेगी। हमें पूरा एक महीना हो गया यार काम करते करते, मजा आएगा यार बहुत बढ़िया। अरे यार यहाँ पे ये सारी कुर्सी गिरी हुई है, फ्रैंकिल भैया ने बोलता सारी उठा दे, लेकिन यार मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी उठाने का, मेरा मन कर रहा है जल्दी से जाके अपनी सैलरी लेके आ जाऊँ। उसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया रिमोट कंट्रोल कार खरीदूंगा इस बार, तो मजा ही आ जाएगा। और गाइज आपको पता है हम ना 20 साल से काम कर रहे हैं अपने बॉस के वहाँ पे, तो मेरे बॉस ने बोलता जब 20 साल हो जाएंगे ना तो तुमको हम गाड़ी भी देंगे। आज गाइज हमको पता है सैलरी के साथ साथ गाड़ी भी मिल सकती है। फ्रैंकिल भैया कहाँ हो यार? अरे यार यहाँ पर भी नहीं है फ्रैंकिल भैया, कहाँ पर होंगे यार मेरे तो समझ नहीं आ रहा। फ्रैंकिल भैया किधर हो तुम यार, नहा तो नहीं रहे? वो कहाँ आएंगे, वो तो हमेशा नहाते ही नहीं है। अरे फ्रैंकिल भैया यहाँ पे क्या कर रहे हो? अबे यार ये 40,000 का खर्चा कहाँ से हो गया, मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अरे मुझे बताओ ना फ्रैंकिल भैया क्या हो गया? सिंचन यार इस महीने हमने 40,000 रुपए खर्च कर दिए। अरे क्या सच में 40,000 रुपए खर्च कर दिए? हाँ सिंचन हमें तो 30,000 रुपए मिलने वाले हैं, अब हम 40,000 रुपए कहाँ से लाएंगे चुकाने के लिए? हमने पूरे 40,000 रुपए का सामान खरीदा इस बार। अरे बाप रे फ्रैंकिल भैया 40,000 रुपए, इसका मतलब 10,000 रुपए अब हमें लोन लेना पड़ेगा क्या? अब छोड़ सिंचन तू उस बात की टेंशन मत ले, लेकिन इतना खर्चा आया तो आया कैसे, मैं वो हिसाब लगा रहा हूँ। अरे छोड़ ना फ्रैंकिल भैया, आज फ्रैंकिल भैया गाड़ी भी मिलेगी हमको, हमें पूरे 20 साल हो गए काम करते करते। अबे हाँ सिंचन मैं तो ये भूल गया था, काश सिंचन हमें सुपर कार मिल जाए तो सोच कितना मजा आएगा, घूमे करेंगे फुल मजे से। अरे हाँ फ्रैंकिल भैया घूमे भी करेंगे बहुत मजा आएगा, और ना आज की सैलरी से मैं ना रिमोट कंट्रोल कार भी खरीदूंगा। हाँ सिंचन तू खरीद लो, मैं ना माइकल को बुला लेता हूँ, माइकल की गाड़ी में चलते हैं सैलरी लेने के लिए। हाँ फ्रैंकिल भैया बहुत मजा आएगा। अरे हाँ फ्रैंकिल बोलो क्या हो गया, क्यों कॉल करिए? अबे माइकल कहाँ है तू? अरे यार घर पे हूँ, आज मैंने छुट्टी करी है तो सो रहा था। अबे भाई सो मत, आज ना मेरे को सैलरी मिलेगी और ना मेरे को और सिंचन को गाड़ी भी मिल सकती है, तू अपनी गाड़ी लेके आ जा प्लीज, तेरे को ना पार्टी दूंगा, आज सैलरी मिलने वाली है। अच्छा ऐसी बात है तो भैया फिर तो हम जरूर आएंगे, फिर तो भैया बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पार्टी दोगे तो ठीक है, आ रहे बताओ तुम्हारे घर पे आ जाए। हाँ हाँ और कहाँ पाएगा, फटाफट से मेरे घर पे आ जाए अपनी गाड़ी लेके, हम सैलरी लेंगे उसके बाद ना तेरे को पार्टी देंगे। हाँ हाँ पार्टी देंगे तुमको। अब तो सिंचन मजा आ गया, माइकल भी खुश हो गया, माइकल आ रहा है अपनी गाड़ी लेके, उसकी गाड़ी से चलेंगे, आज तो पार्टी देगा फ्रैंकिल, मजा ही आ गया, मैं फुल तैयार हूँ, चलो फटाफट से जाते हैं उसके घर पे, पार्टी मिलेगी, उसे सैलरी मिलने वाली है, उसके सारे पैसे खर्च करवा दूंगा, आज तो मजा ही आ गया। पिछली बार जब मैंने उसे पार्टी के लिए बुलाया था ना, मेरे सारे पैसे खर्च करा देते, आज तो फ्रैंकिल को छोड़ूंगा नहीं, उसके सारे पैसे खर्च करा दूंगा, बहुत सारी चीज खाऊंगा, गिनते हुए जाऊंगा रास्ते में। अरे यार ये मेरे बेटा भी ना बीच में साइकिल खड़ी कर देता है, चलो छोड़ो यार अपनी ये वाली गाड़ी ले जाता हूँ और साइकिल को टक्कर ही मार दूंगा। अरे एक काम करूंगा मैंने उससे वो चॉकलेट भी मंगवा लूंगा और बहुत सारी चीजें खाऊंगा यार, बहुत सारी, वो तो वहीं होटल जाके देखेंगे, रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीजें मंगाऊंगा और सारी चीजें खा जाऊंगा, पेट भर भर के खाऊंगा। आज तो फ्रैंकिल के सारे पैसे खर्च करने हैं मुझे कैसे भी करके, फटाफट से गाड़ी भगाते हुए जाता हूँ, अब बिल्कुल भी मेरे से इंतजार नहीं हो रहा। चलो यार फ्रैंकिल के घर तो आने वाला है, जल्दी भग जा गाड़ी, जब इसे जल्दी भगाता हूँ, जब ये चलती नहीं है, इसकी लग रहा है सर्विस मांग रही है, इसे सर्विस भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैंकिल से ही पैसे ले लूंगा, आज तो इसकी सैलरी मिलने वाली है, बोलूंगा 2,000-3,000 रुपए मेरे को ही दे दे, मजा आएगा। अरे का है भाई फ्रैंकिल? अरे नीचे नहीं जाऊंगा, चौप रहता है, कहीं चौप काट ले, पिछली बार काट लिया था। अरे फ्रैंकिल ऊपर आ जा देख मैं आ गया। सिंचन मेरे ख्याल से ना यार माइकल आ गया, आजा चलते हैं। अरे हाँ फ्रैंकिल भैया तो माइकल भैया की आवाज है, लेकिन वो नीचे क्यों नहीं आते फ्रैंकिल भैया? अब सिंचन चौप के डर से नहीं आता वो, अब आवाज आप कर लो, कोई आया है क्या बार? अरे चौप हाँ कोई आया यार, पर तू से काटिए मत। अरे अरे फ्रैंकिल आ गया, और कैसे सब ठीक तो है ना? हाँ भाई ठीक है, आज तो सैलरी मिलने वाली है, हमको ना गाड़ी भी मिल सकती है। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चले फिर मेरी उससे ही चले। अरे अरे माइकल भैया नमस्ते। अरे सिंचन तू तो मेरे से बोले ही मत भाई, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता। अरे यार माइकल भैया तुम अभी भी गुस्सा हो क्या मेरे से? और क्या सिंचन तेरे से गुस्सा नहीं होंगे, पिछली बार तू इनके घर पे गया था, तूने इनकी टीवी तोड़ दी थी, और तो और इनके सोफे पर जितना भी खाना था ना वो सारा तूने गिरा दिया था। अरे यार इसकी भी। अरे यार माइकल भैया उस पे भी क्या गुस्सा होना यार, मेरी सैलरी मिलने वाली है, मैं तुमको नई टीवी दिला दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे देखो सिंचन हम पहली बता रहे, अगर तुमने हमको टीवी दिलाई तो ही हम तुमसे बात करेंगे, वरना जाओ हम तुमसे बात नहीं करते। हाँ नहीं तो हमारे से हमारे घर पे आते हो, कभी कुछ तोड़ देते हो, कभी कुछ तोड़ देते हो, हाँ नहीं तो। अरे माइकल भैया क्यों टेंशन ले रहे हो, अगर आज मैंने रिमोट कंट्रोल कार नहीं ली ना तो ही टीवी दिलाऊंगा, वैसे तो मैं तुम्हें कोई टीवी भी दिलाने वाला, मैं तो अपनी रिमोट कंट्रोल कार ही रहूंगा। हाँ सिंचन फटाफट से बैठ जा, तेरे को दिलानी है दिलाइयो, वरना छोड़। अरे यार ऐसा कैसे यार फ्रैंकिल भैया, एक तो वो दिलाने के लिए राजी हो गया तुमने और मना कर दी। अबे मैंने थोड़ा ना मना करी, बता सिंचन दिलाएगा इसको टीवी? अरे नहीं फ्रैंकिल भैया मैं तो नहीं दिलाने वाला, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, जाओ माइकल भैया तुम मुझसे मत बोलो। अरे अरे सिंचन चुप हो जाए यार, मैं भी मजाक कर रहा था, तू तो मेरा यार अच्छा है यार, मतलब मैं तेरे को दोस्त मानता हूँ। अरे वाह यार माइकल, मतलब तुम मुझसे बोलने लगे? हाँ मैं तुझसे बोलने लगे, तू भी मेरा ही दोस्त है। तो गाइस यार अभी हम बस अपने ऑफिस पे पहुंचने वाले हैं, और गाइस मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ यार, आज तो सैलरी मिलेगी। फ्रैंकिल भैया मैं तुमसे भी ज्यादा खुश हो रहा हूँ यार आज, क्योंकि रिमोट कंट्रोल कार मिलेगी और तो और नई वाली गाड़ी भी मिलेगी। सिंचन जितने भी लोग 20 साल से काम कर रहे हैं ना, हमारा बॉस सबको गाड़ी देने वाला है आज तो। फ्रैंकिल भैया बस कुछ भी करके यार हमें सुपर कार मिल जाए, फिर तो बहुत मजा आएगा, माइकल भैया को चिढ़ाऊंगा मैं तो। अरे यार मुझे क्यों चिढ़ाएगा तू, देख देख सिंचन यहाँ पर तो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, फटाफट से आजा हम भी लाइन लगा लेते हैं। अरे फ्रैंकिल भैया गाड़ियाँ देखो कितनी बढ़िया बढ़िया मंगा रखी है हमारे बॉस ने, आज तो फ्रैंकिल भैया ये सारी गाड़ियाँ मिलेंगी, मजा ही आ जाएगा फ्रैंकिल भैया। अरे
माइकल भैया गाड़ी रुको, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे रुक जाओ यार, यहाँ पे लगा देता, बहुत बढ़िया। अरे फ्रैंकल तेरा बॉस तो बहुत अच्छा यार, गाड़ी भी दे रहा है तुमको। अबे माइकल हम पूरे 20 साल से काम कर रहे हैं, जब जाके ये गाड़ी मिलेगी हमको। अरे वाह वाह फ्रैंकल भैया कितनी अच्छी गाड़ी है। लेकिन फ्रैंकल भैया गाड़ी तो यार नैनू भी है, बस फ्रैंकल भैया हमें नैनू ना मिल जाए। अबे सुनचैन हमको ना जल्दी लाइन लगानी होगी, मेरे ख्याल से जो बंदा लास्ट में आएगा ना उसे नैनू मिलेगी जल्दी। आप बकते हुए आ रहे हो फ्रैंकल भैया? आ रहा हूं यार, हमको नैनू कार नहीं चाहिए, हमको फ्रैंकल भैया सुपर कार चाहिए। मैं तो यहीं पे लाइन में लग जाता हूं। ओए ओए कहां लग रहा तेरी थूथ पे मारूंगा, हम कब से खड़ा है, 4 घंटे से हमारे आगे खड़ा हो गया, पीछे खड़ा हो जा बता रहा हूं तेरे को। अबे यार क्या हो गया, लगने देना। अरे लगने देना भाई क्या हो गया, चाहे तू कैसे लगने, तू कितनी देर से खड़ा हूं मैं आने से, मेरे को सुपर कार चाहिए, 20 साल से काम कर रहा हूं। आजा सिंचन आजा, पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। अरे फ्रैंकल भाई ये तो गलत है, फ्रैंकल भाई एक बार सोच के देखो ना, पीछे वाले बंदे के पास तो सिर्फ नैनो कार ही बचेगी, मतलब हमको नैनो कार मिलेगी। ऐसा फ्रैंकल भैया बिल्कुल मत होने दो यार, हमको नैनो कार नहीं चाहिए, सुपर कार चाहिए फ्रैंकल भैया। हाँ सिंचन तू ये तो सही कह रहा है। बस तो मेरा थैंक यू, मेरे को सैलरी दे दी और तुमने मेरे को सुपर कार भी दे दी, बस वो वाली गाड़ी लेके मैं जाऊँ? हाँ हाँ तुम वो वाली गाड़ी लो और यहाँ से फटाफट से जाओ, और हमेशा ऐसे मन लगा के काम करो जैसे करती हो। अरे वाह वाह मजा ही आ गया, बस ने गाड़ी दे दी, सैलरी मिल गई, चले चले चलती हूँ मैं तो, बहुत ज्यादा खुश हो गई, मेरे को तो सुपर कार मिली है, ये वाली बहुत अच्छी लग रही है, मेरी बस सही है, अच्छे मेरे को सुपर कार तो दिलाई है, चले चलते घर पे जाके सबको दिखाऊंगी, सब लोग मेरे को खुश हो जाएंगे, अब तो सुपर कार चलाने को मिलेगी, जहाँ भी जाऊंगी सुपर कार लेके जाऊंगी, स्पीड से भगा के जाया करूंगी हमेशा मैं तो। अरे ये सिंचन, ए सिंचन चिड़ जा, देख मेरे को सुपर कार मिली है, सिंचन चिड़ गया होगा। अरे फ्रैंकल भैया तुमने उसे देखा यार कैसे सुपर कार लेके गई है? फ्रैंकल भैया कुछ भी करके आगे चलो यार, वरना हमें नैनो कार मिल जाएगी। सिंचन एक काम करता है, मैं ना बॉस से बोलूंगा, तेरे को ना पोटी आ रही है, जिससे बॉस हमको पहले सैलरी और गाड़ी दे दे। हाँ फ्रैंकल भैया चलो चलो जल्दी चलो यार, बोल के आओ, वरना यार ये जो आगे लगे हुए हैं ना ये सुपर कार लेके चले जाएंगे और हमको वो लास्ट वाली नैनो कार मिल जाएगी। आजा सिंचन जल्दी, आप बहाना बनाना ही पड़ेगा मैं कैसे भी करके। अरे कहाँ जा रहा, पीछे खड़ा हो जा, पीछे खड़ा हो जा। अबे चुप हो जाओ यार, सिंचन को पोटी आई है, हट सामने से। अबे तेरे लपड़ मारूंगा, मेरे को क्या डाला। अबे अंदर जाएगा बॉस, देखना अंदर चलेगा लाइन तोड़ के। अरे बॉस वो ना सिंचन को यार पोटी आ रही है, बॉस हमें ना जल्दी से सैलरी दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। फ्रैंकल इतनी भी क्या जल्दी है सैलरी लेने की, सिंचन को बोलो साइड में पोटी कर लेगा। अरे नहीं यार मैं साइड में कहीं पे पोटी नहीं करता, मैं सिर्फ बाथरूम में ही करता हूँ, हानि तो मेरे को ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम। चलो ठीक है मैं तुमको सैलरी देता हूँ और तुमको एक गाड़ी भी देता हूँ। अरे वाह सिंचन हमको गाड़ी मिलने वाली है। ठीक है अब तुम सैलरी लो और गाड़ी लो और यहाँ से फटाफट से दफा हो जाओ। तो गाइस यार मेरे सर ने मेरे को सैलरी दे दी एकदम बैग भर के, हमको पैसे मिल गए सिंचन। हाँ फ्रैंकल भैया पैसे मिल गए, गाड़ी की बात तो कर लो। अरे सर गाड़ी कौन सी ले हम? अरे वो गाड़ी ले लो, बाहर एक नैनो कार खड़ी है, वो तुम्हारी कार है, चलो लेके फुटो यहाँ से। अरे सर पर नैनो कार क्यों सर, सर हमें नैनो कार क्यों दे रहे हो, हमें सुपर कार चाहिए। अरे हाँ सर सुपर कार चाहिए। अरे चुप हो जाओ, महीने में सिर्फ 10 दिन ही आते हो और काम भी ढंग से नहीं करते, मजे करते रहते हो, जब मर्जी उठ के आते हो, चलो तुम्हें नैनो कार मिलेगी, भाग जाओ यहाँ से, चाहिए तो नैनो कार लेके जाओ वरना उसे भी छोड़ के चले जाओ। अरे यार सर ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, हाँ तो ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारा काम तो करते ना, मगर तुमने सैलरी दे दी लेकिन गाड़ी तो अच्छी दो ना यार, तुमने उस लड़की को तो बहुत अच्छी गाड़ी दे दी। अरे वो लड़की एकदम मन लगा के काम करती है, तुम्हारी तरह नहीं, जब सो के मर के उठ के आ जाती है, लेनो कार लेनी है तो लो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। अरे फ्रैंकल भैया यार ये तो बहुत गलत करा, कोई बात नहीं फ्रैंकल भैया कल से ना इसका सारा काम बिगाड़ दिया। क्या कर रहा, कुछ कहा तूने? अरे नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, कल तेरे ऑफिस में ना देख टॉयलेट कर दूंगा मैं। अरे क्या कह रहा है बदतमीज, क्या कर रहा है? अरे नहीं नहीं सर ये कुछ नहीं कह रहा, आज सिंचन चलते हैं यार, कोई कहने से फायदा नहीं है। अरे फ्रैंकल भैया ये तो बहुत गंदा बॉस है यार, हमको तो नैनो कार दे दी, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए यार, हम पूरे 20 साल से काम कर रहे हैं। फ्रैंकल भाई कौन सी गाड़ी मिली बता, मेरे को लग रहा है कोई सुपर कार दी होगी तेरे बॉस ने, 20 साल से काम कर रहा है तो इसके यहाँ। अब भाई मैं तेरे को क्या बताऊँ, नैनो कार दी है मेरे को। अरे हाँ यार नैनो कार दी है यार, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। अब क्या करे भाई, तू बता मैं चटकाऊँ तेरे बॉस को? अब रहने दे क्या ही चटकाएगा, अब नैनो कार लेके ही जानी पड़ेगी। अरे ये तो बहुत गलत है, हमारी पार्टी का क्या हुआ? अबे मेरे को सैलरी मिल गई है तो टेंशन मत ले, तेरे को मैं आज पार्टी जरूर दूंगा। अरे हाँ माइकल भैया टेंशन मत लो, पार्टी तुम तुमको दे देंगे, चलो कोई बात नहीं फ्रैंकल भैया मैंने अपने लिए रिमोट कंट्रोल कार खरीद लूंगा, लेकिन ये नैनो कार कौन रखेगा? सिंचन ये नैनो कार चल मैं रख लूंगा, अब ऑफिस इसी से आए जाए करेंगे। अरे यार इसी गंदी गाड़ी मिली यार, यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी गाड़ी है, काश हमको भी फ्रैंकल भी अच्छी गाड़ी मिली होती तो मजा आ जाता। हाँ सिंचन सही कह रहा है, चल छोड़ सिंचन, आ जा माइकल तुम हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आते रही हो। अरे फ्रैंकल भैया टेंशन मत लो, पार्टी दोगे तुम्हारे पीछे ही आऊंगा, हमेशा कहीं तुमसे बिछड़ूंगा नहीं, अभी पार्टी का सवाल है भैया, खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा सारे पैसे उड़ाऊंगा तुम्हारे। अरे फ्रैंकल भैया हमें देखो 30,000 रुपए मिले, 30,000 रुपए में से यार माइकल भैया को कितने की पार्टी दोगे? दे देंगे सिंचन जितने की वो खाएगा। और फ्रैंकल भैया पहले बता दिया मैंने यार 10,000 वाली एक रिमोट कंट्रोल कार खरीदूंगा। अबे एक सेकंड सिंचन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से सिंचन यहाँ पर ना गुंडे है। अरे हाँ फ्रैंकल भैया गुंडे गुंडे देखो। अबे रुक जा सिंचन, देखना पड़ेगा छुपके आखिरकार ये करना क्या चाह रहे हैं। देखो ना फ्रैंकल भैया ये कर क्या रहे हैं यार, मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। रुक जा सिंचन देखो, पहले गाड़ी में बैठ के देखते हैं पीछे लेके। अबे सिंचन ये तो जा रहे हैं यार उस बंदे की गाड़ी चुरा के, सिंचन मेरे को इनको पकड़ना होगा। अरे हाँ फ्रैंकल भैया पकड़ो यार उसकी गाड़ी चुरा के भाग गए, देखो यार जल्दी चलो। चल सिंचन फटाफट से गाड़ी भगाता हूँ। अबे सिंचन एक तो ये हमें घटारे सी नैनो कार मिली है यार, इसमें तो स्पीड भी नहीं है, कोई बात नहीं फ्रैंकल भैया लेकिन हमको
उनको कैसे भी पकड़ना होगा। उन्होंने यार उस बैंक वालों की गाड़ी चुरा ली। हाँ सुनचन यार, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देख सुनचन, बैंक वालों की गाड़ी चुरा के कैसे पकड़ रहे, ये लो रुक जा रुक जा। अरे फ्रैंकल भाई ठोको यार, क्या कर रहे हो, डर रहे हो क्या फ्रैंकल भाई तुमसे? नहीं नहीं सुनचन, मैं डर थोड़ा रहा, मैं इनसे डट के सामना करूंगा। ये लो ये लो ये लो, कोई सबदारी दिखा रहे सबदारी, इसको छोड़ना नहीं है। अब सुनचन जल्दी बाहर निकल, मैं अपनी गन निकाल के बताता हूँ। गलत आदमी से पंगा ले लिया, अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। जल्दी बाहर निकल के इसमें गन चलाओ। जी बस बाहर निकल के गन चलाओ, समझदार बनने समझदार। ये भी ले तू मारेगा मेरे को। गाइस इसके अंदर भी एक दो बंदे बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से गाइस मैंने सभी गुंडों को मार दिया। अरे फ्रैंकल भाई बोल रहा यार, तुम्हारी गोली चला रहे, मारो फ्रैंकल भाई, मैं मारता हूँ। ये ले बदमाश कहीं के यार, बैंक की गाड़ी लूट के भाग रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैंक की गाड़ी लूटोगे, तुम इतने बड़े कहाँ हो गए तुम? बहुत बढ़िया फ्रैंकल भाई, आखिरकार तुमने ने मार दिखाया, मारो फ्रैंकल भाई। और तो नहीं है ना यहाँ कहीं पे? नहीं सिंचन, और तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अरे फ्रैंकल भाई देखो, और गुंडे आ गए यार पीछे से, मेरे को ऐसा लग रहा है। कहाँ से? अबे सिंचन सही में यार गुंडे आ गए, ये कहाँ से आ गए? छोड़ूंगा नहीं गाइस किसी को भी मैं। ये बिलो सबको मार दिया यार तुमने तो, बहुत बढ़िया फ्रैंकल भाई, कितने गंदे लोग है यार, ये देखो कैसे गाड़ी लूट के भग रहे थे। चल सिंचन फटाफट से ये गाड़ी ना उस बंदे के पास पहुंचाता है जिसकी ये गाड़ी है। हाँ फ्रैंकल भाई यार, ये मेरे को तो बैंक वाली गाड़ी लग रही थी फ्रैंकल भाई, पता नहीं सिंचन मेरे को भी थोड़ी बहुत लग रही है। लेकिन सिंचन ये ना एक बाबा की थी, वहाँ पे ना एक बाबा भी खड़ा हुआ था। माइकल ठोक के क्यों जा रहा है? गाइस देखो माइकल मेरा दोस्त है और वो ही ठोक के जा रहा है। ये रहा गाइस देख दो गुंडे, गाइस यहाँ पे अभी थोड़े बहुत गुंडे और है यार, इनको भी फटाफट मार देता हूँ। अरे फ्रैंकल भाई ये गुंडे तो यार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे यार, कितने सारे गुंडे हैं। पता नहीं सिंचन कितने गुंडे हैं यार, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से फ्रैंकल भाई अपने खत्म हो गए, अब जल्दी से ये वैन ले लो यार और उन बाबा को दे दो जिनकी ये बाबा की वैन है। हाँ सिंचन वहाँ पर ना एक बाबा खड़ा हुआ था, मेरे ख्याल से ये वैन ना उसके, चल फटाफट से उसकी वैन देके आ जाते हैं। वो बंदा कितना परेशान हो रहा होगा, जल्दी बैठ सिंचन। फ्रैंकल भाई मैं तो पीछे बैठ गया यार, ये दरवाजे खुला खोल के बैठ गया फ्रैंकल भाई। चलो फ्रैंकल भाई चलो यार, चलते हैं फटाफट से उन बाबा को यार दे देते हैं उनकी वैन और मजा आएगा। लेकिन सिंचन हमारी नैनो कार, कोई बात नहीं सिंचन। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकल भाई, नैनो कार यार वही खड़ी रहने दो, कोई थोड़ा ना लेगा, वो इतनी खटारा गाड़ियों से कोई लेगा ही नहीं। इस गाड़ी को फटाफट देके आओ, फिर उसके बाद माइकल भैया की गाड़ी में बैठेंगे, उसके बाद अपनी नैनो कार लेके घर जाएंगे और पार्टी करेंगे, जो करना है वही पे करेंगे। अरे फ्रैंकल ये बता भाई, उन गुंडों को मार दिया नहीं मार दिया? अबे हाँ मैंने सबको मार दिया। एक सेकंड सिंचन, वो बाबा तो यार यहीं पे आ गया। अरे हाँ फ्रैंकल भैया यार, ये बाबा तो यहीं पे आ गया यार, ये शायद चलते चलते आ रहे थे। अरे बेटा रुक जाओ बेटा, अच्छी बात हुई बेटा तुमने मेरी वैन बचा ली बेटा। अरे हाँ बाबा मैंने आपकी वैन बचा ली, लेकिन वो क्यों लेके जा रहे थे आपकी वैन? अरे बेटा तुम्हें क्या पता, ये एक मामूली वैन नहीं है, ये बेटा एक जादुई वैन है। अरे क्या ये जादुई वैन है? हाँ बेटा ये मेरी जादुई वैन है बेटा, जब तक ये मेरे साथ है मैं बहुत अमीर रहूंगा, जैसे ये मेरे से बिछड़ गई मैं एकदम से गरीब हो जाऊंगा। अरे ऐसी बात है क्या? अरे फ्रैंकल भैया मैं तो ऐसी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता बाबा, मैं आपकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, ये जादू वादू कुछ भी नहीं होता। अरे बेटा लगता है तुम्हें अभी मेरे बारे में पता नहीं है बेटा, मैं बहुत बड़ा जादुई बाबा हूँ। अरे अगर आप जादुई बाबा हो तो कुछ जादू करके दिखाओ ना बेटा, देख तू जो कुछ भी सोचेगा वो तेरे सामने आ जाएगी, और बेटा तू जिस चीज को टच करेगा वो बेटा गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, जा बेटा मैंने तेरे को वरदान दे दिया। अरे यार फ्रैंकल भैया यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं तो इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता यार, इस बाबा के भी दो चार चांटे लगा दो। अरे बेटा एक बार सोच के तो देखो, अगर तुम मैं बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, सोचने में क्या ही जा रहा है। हाँ सिंचन वैसे बाबा सही कह रहा है, सोचने में क्या ही जा रहा है, आज सोच के देखे क्या। हाँ फ्रैंकल भाई सोच के देख लो, ऐसा जब कुछ होता ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना। चल सिंचन एक गाड़ी के बारे में सोचते हैं, काश मेरे पास एक बहुत बड़ी वाली गाड़ी आ जाती। अरे फ्रैंकल भैया ऐसा कैसे हो सकता है, वो बाबा वो वैन कहाँ चली गई? अब सिंचन वो बाबा और वैन कहाँ चली गई? अरे फ्रैंकल भैया ऐसा नहीं हो सकता, हमारी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, वो बाबा और वैन तो गायब हो गई, और भैया यहाँ पे ये गाड़ी आ गई, तुमने गाड़ी सोची? सिंचन जल्दी, उसने ये भी बोला था मैं जैसी जिस चीज को टच करूंगा वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये तो सिंचन गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुई। अरे फ्रैंकल भैया देखो सच में यार गोल्ड में भी कन्वर्ट हो गई गाड़ी तो। इसका मतलब सिंचन हमारे अंदर ना पावर आ गई है सिंचन, अब हमें किसी से भी यार डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ना हमें अपने बॉस के पास काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिंचन उसने ना हमारे साथ यार गद्दारी करी है। सिंचन देख रहा सबको सुपर कार दे रहा था, लेकिन हमको नैनो कार दिया, अब सिंचन हमें उसके वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो सिंचन यार हम जो कुछ सोचेंगे वो हमारे सामने आ जाएगा। अरे हाँ फ्रैंकल भाई यार अब तो फ्रैंकल भाई हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। और गाइस अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार जल्दी से अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। गाइस मैं आपका छोटा भाई तो हूं यार, मेरी वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। हां गाइस यार हम लोग आपके भाई तो है गाइस, जल्दी से गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से जिसने अभी नहीं करा, और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस प्यारा वाला बाय।